प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नौगछिया के नोनिया पट्टी मोहल्ले में रसोई गैस सिलेंडर के अवैध कारोबारी रामचंद्र शाह के घर आज दोपहर 12 बजे के करीब कुल 14 रसोई गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। रसोई गैस सिलेंडर के अवैध कारोबारी रामचंद्र शाह के घर से अचानक एक के बाद एक कई विस्फोट की आवाज सुनी गई। लोगों ने देखा कि आसमान में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट होने की इस घटना के बाद लोग इतने डर गए कि अपने घरों से बाहर रसोई गैस सिलेंडर को फेंकने लगे। सिलेंडर ब्लास्ट के दौरान सिलेंडर के छोटे छोटे कई टुकड़े 200 मीटर के दायरे में लोगों के छतों पर गिर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह रामचंद्र का यह पुराना धंधा है और इस काले धंधे को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि गैस की रिफिलिंग करने के दौरान ही यह हादसा हुआ है। लोगों ने देखा कि आग की लपटें जब अचानक रामचंद्र के घर से निकलने लगी तो महिला और पुरुष सदस्य अपने घर से भागने लगे। रामचंद्र शाह के पड़ोसियों ने बताया कि वह अपने घर को रसोई गैस सिलेंडर के एक मिनी गोदाम के तरह उपयोग कर रहा था और यहां से वह चोरी छिपे लोगों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति करता रहा। नौगछिया पुलिस रामचंद्र शाह की तलाश कर रही है। वहीं नौगछिया के SDO यतेंद्र कुमार पाल ने मौके पर कहा कि सूचना मिलते ही स्थल पर 6 दमकलों को आग पर काबू करने में लगाया गया। करीब 20 मिनट के बाद आग पर काबू पाया गया। इस मामले की भी जांच की जानी है कि रामचंद्र शाह अपने घर पर रसोई गैस सिलेंडर का भंडारण किस तरह करता रहा। वहीं पुलिस कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कह रही है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।